हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग स्टूडेंट्स? आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 10 ससोबा। मराठी सब्जेक्ट का है ये, स्टैंडर्ड 3 का। इसके पहले वाले सारे चैप्टर हो गए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हो, ठीक है। ससोबा मीन्स खरगोश। खरगोश को मराठी में ससोबा और ससा कहते हैं, ठीक है। आज हम ये पोएम में खरगोश के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू न्यूज़ वीडियो मिलती रहे और ये और मेरे वीडियोस अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। आई का माना कृति करा। सबसे पहले मैं ये पोएम रीड करके बता देती हूँ आपको, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ससारे ससा असारे कसा, ताट असती तुझे कान, तोंडावरती मिशा छान, डोळे तुझे लाल लाल, गुप गुपित तुझे काल, अंग तुझे पांढरे पांढरे, दिसते किती छान गोजीरे, शेपटी तुझी इवलीशी, हालवतोस अशी कशी, गवत खातो कुरू कुरू, चालतोस तू तुरू तुरू, चाहूल लागता थोडीशी, मारतोस तू दडी कशी, असा रे कसा भित्रा तू ससा। ये पोएम लिखी है बालाजी बिरादार, इन पोएट ने लिखी है पोएम, ठीक है। चलो अब हम क्या है देखते हैं। ससा रे ससा असा रे कसा, ससा मीन्स खरगोश। तो ये कवि ने पूछा है कि खरगोश रे खरगोश, तू ऐसा कैसा है? ताट हस्ती तुझे कान, तुम्हारे कान कैसे है? ताट मीन्स स्ट्रेट। तोंडावरती मिशा छान, मतलब आपने देखा ना रैबिट के मुंह पर कैसे मूछें होती है, तो वही पूछा है कवि ने रैबिट को, खरगोश को, कि तुम्हारे मुंह पे जो मूछे वो कितनी सुंदर है। टोए तुझे लाल लाल, गुपगुपित तुझे गाल, तुम्हारे आंखें लाल लाल है और तुम्हारी गाल गुपगुपित मीन्स चबी चबी है, मीन्स फूले फूले हुए है। अंग तुझे पांढरे पांढरे, दिसे किती छान गोजीरे। रैबिट कैसा होता है? वाइट। पांढरे मीन्स वाइट कलर का, अंग मीन्स उसकी बॉडी, बॉडी कैसी होती है? वाइट। जिसे कितनी छान गोजी रे, मतलब वो कैसा दिखता है? ब्यूटीफुल दिखता है। शेपटी तुझी इवलीशी, उसकी शेपटी मीन्स टेल कैसी होती है? इवलीशी मीन्स टाइनी, छोटी सी होती है। हालव तोस अशी कशी, तुम अपनी पूछ ऐसे कैसे हिलाते हो? गवत खातो कुरू कुरू, चालतोस तू तुरू तुरू, तुम गवत कैसे खाते हो? गवत मीन्स ग्रास, घास। तुम घास कैसे खाते हो? कुरू कुरू। चालतोस मतलब तुम कैसे चलते हो? तुरू तुरू, तुरू तुरू मीन्स फास्ट फास्ट। चाहूल लागता थोड़ी सी, मारतोस तू दड़ी कशी। किसी का अगर उसको पता चले कि कोई आ रहा है तो पटक से क्या करता है? छुप जाता है अपने बिल में जाकर। असा रे कसा भित्रा तू ससा, ऐसे कैसे हो तुम? भित्रा मीन्स डरपोक, डरपोक कैसे हो तुम, ऐसा कवि पूछ रहे हैं, ठीक है। ऐका मना, ससाचे कान ताट, मतलब खरगोश के कान कैसे होते हैं? ताट मीन्स स्ट्रेट। ससाचे डोळे लाल लाल, कैसे होते खरगोश के आँख? लाल लाल। ससाचे गाल गुपगुपित, खरगोश के गाल कैसे होते हैं? गुपगुपित। ससांचे अंग पांढरे पांढरे, खरगोश का अंग कैसा होता है? सफेद, ठीक है, पांढरे मीन सफेद। ससाची शेपटी इवलीशी, ससाची शेपटी इवलीशी मतलब खरगोश की टेल कैसी होती है? छोटी सी, ठीक है। ससाचा मिशा छान, ससाचा मिशा मीन्स खरगोश की मूछे कैसी होती है? सुंदर। नेक्स्ट, एकच शब्द दोन वेळा वापरून तयार झालेले शब्द या कवितेत आलेले आहेत। उदाहरणार्थ लाल लाल मतलब
एक ही शब्द दो दो बार आए हुए हैं, वो कौन से आपको देखना है, जैसे कि लाल लाल, और कौन से है वो देखना है। देखिए गुप गुपित आए ना, गुप और यहाँ पे भी गुप, ये हुआ कुरु कुरु, देखिए दो बार आए हैं, तुरु तुरु, ठीक है। तो ये हो गई आज की हमारी पोएम कंप्लीट। आई होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।